दोस्तों, एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक 26वीं अमेंडमेंट पास करती है और इस 26th अमेंडमेंट के हवाले से दो अहम नैरेटिव्स हैं। पहले वो लोग हैं जो इसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। उनका कहना है कि ये अमेंडमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत बल्कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी के हवाले से भी इंतहाई जबरदस्त तरमीम है, उसको विक्ट्री के तौर पर देखते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। उनका यह कहना है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के हवाले से भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट ने यह कहा कि जो पाकिस्तान की 26वीं अमेंडमेंट है, दिस इज एन अटैक ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अदलिया की जो आजादी है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से, ये उनके ऊपर एक अटैक है। अब दोस्तों, ये अमेंडमेंट 26वीं पास कैसे होती है, किस तरह से इसको पाया तकमील तक लेके आते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस 26वीं अमेंडमेंट के कंटेंट पे बात करूंगा कि ये इसके अंदर बुनियादी तौर पे है क्या, कौन सी चीजें इसके अंदर जो है वो नई लाई गई है। और उसके हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको इसका ओल्ड वर्जन दूंगा कि आइन का इस अमेंडमेंट से पहले क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद न्यू वर्जन बताऊंगा कि इस अमेंडमेंट के बाद की क्या सूरत हाल है, और उसके बाद लास्टली मैं इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करूंगा, इस पे इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात करेंगे कि इसके बाद इस अमेंडमेंट के बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या असरात होंगे आइन के ऊपर, जमहूरत के ऊपर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से, और ख़ास तौर पे अवाम के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, क्या अवाम के लिए भी इसके अंदर कुछ है, अवाम के लिए भी बात की गई है, क्या अवाम को इसके अंदर रिलीफ की डिस्कशन की गई है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आप ओल्ड वर्जन पे बात करूं तो उसमें पहली बात तो ये कि आपका जो चीफ जस्टिस था उसकी जो अपॉइंटमेंट होती थी 26वीं अमेंडमेंट से पहले, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के बेस पे होती थी। यानी जो सीनियर मोस्ट जस्टिस था वो आपका चीफ जस्टिस अपॉइंट होता था, उसके अंदर कोई और कॉम्प्लेक्सिटी और क्राइटेरिया नहीं थी। दूसरी बात ये कि जो आपके दूसरे जजेस थे अदर देन द सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उनकी अपॉइंटमेंट होती थी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो उनको अपॉइंट करती थी, और उसके अंदर आपके मुख्तलिफ मेंबर्स थे। आपका चीफ जस्टिस उसका हिस्सा था, आपका फेडरल लॉ मिनिस्टर उसका हिस्सा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसका हिस्सा था, बार की रिप्रेजेंटेशन थी, मुख्तलिफ वकला उसके अंदर मौजूद थे। यानी एक इंक्लूसिव सिस्टम के तौर पर उसको जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करते थे। तीसरी बात यह कि 184 आर्टिकल के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास सोमोटो की पावर थी, अख्तियार था कि वो सोमोटो का पावर यूज करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट उस सोमोटो के पावर को दो बेसिस पे यूज करती थी। पहला तो वो तब यूज करती थी जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आए, कोई भी लॉ बनता, कोई भी लेजिस्लेशन बनती तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए, उसको क्वेश्चन में लाने के लिए वो सोमोटो का अख्तियार यूज करती थी कि क्या ये लॉ, क्या ये कानून आइन के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कन्फर्मिटी में है, उसको वो चेक करने के लिए सोमोटो इस्तेमाल करती थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट सोमोटो का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से करती थी। यानी जहां पे भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, अवाम का मुफाद हो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट इस सोमोटो के अख्तियार को यूज करती थी। उसके साथ साथ आप अगर 199 आर्टिकल की बात करें तो उसके अंदर आपकी जो हाई कोर्ट्स है उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन की पावर थी, वो भी उसको यूज कर सकती थी, खास तौर पे इलीगल डिटेंशन के हवाले से। अब ये वो सारी सर्टेन प्रोविजन है दोस्तों जो इस 26वीं अमेंडमेंट से पहले की है, इसको जहन में रखिएगा क्योंकि हम इसको रिलेट करेंगे इस 26वीं अमेंडमेंट के साथ। अब अगर हम इस 26वीं अमेंडमेंट के प्रोविजंस को डिस्कस करें, इसकी चेंजेस पे बात करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर लाई गई हैं, तो उसमें सबसे पहली जो चेंज है दोस्तों वो आपके आर्टिकल 175 के अंदर लाई गई है, जिसमें आपकी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब पहले क्या था कि आपका जो चीफ जस्टिस था वो अपॉइंट होता था डायरेक्टली सीनियरिटी के बेस पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस अमेंडमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अपॉइंटमेंट होगी उसकी, वो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी अब सेलेक्ट करेगी टॉप 3 सीनियर जजेस में से किसी भी एक जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएगी। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी का दोस्तों जो स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर 12 मेंबर्स होंगे, वो 12 मेंबर्स में से 8 मेंबर आपके नेशनल असेंबली से होंगे और 4 मेंबर आपके होंगे सेनेट से, और वो 12 मेंबर 2/3 मेजोरिटी से मिलके जो है वो उस चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों इस पार्लियामेंट्री कमेटी में जो आपकी पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह से होगी कि जो आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जिस पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर जितनी नुमाइंदगी है, जितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसके हवाले से इस कमेटी के अंदर भी उन पार्टीज की नुमाइंदगी होगी, उनकी इतनी से होगी। इसके साथ साथ जो दूसरी चेंज लाई गई है दोस्तों, वो लाई गई है इसी आर्टिकल 175 में, आपकी जुडिशियल कमीशन को जो है वो रिस्ट्रक्चर किया गया है, उसमें तब्दीलियां लाई गई है। अब जो चीफ जस्टिस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे जजेस अपॉइंट होते हैं, वो तो आपकी पहले करती थी जुडिशियल कमीशन, अब भी जुडिशियल कमीशन है, लेकिन इसके अंदर एक और पॉलिटिकल जो है मनोवरिंग कही गई है, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखी गई है।
इसके अंदर अब यह किया गया है कि चार मेंबर जो है वो पार्लियामेंटेरियंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए, यानी जुडिशियल कमीशन का चार पार्लियामेंटेरियंस हिस्सा होंगे, चार पॉलिटिशियन इसका हिस्सा होंगे, जिनकी जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर उनकी से होगी, उनकी बात सुनी जाएगी, उनका भी एक रोल होगा जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर। तीसरी जो अहम चेंज की गई है दोस्तों इस अमेंडमेंट के बाद, वो की गई है आपकी आर्टिकल 184 के अंदर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो सोमोटो का पावर था, जो अख्तियार था, उसको खत्म कर दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट अपने 184 आर्टिकल के तहत सोमोटो का अख्तियार यूज नहीं कर सकती, उसको खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपका जो 199 आर्टिकल है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, उसको भी खत्म कर दिया गया है, यानी अब हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन थी वो अब रिट के पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ आपके आर्टिकल 186 को भी अमेंड किया गया है, जिसमें यह है कि आप जो ट्रांसफर ऑफ केसेस होगा उसको डिस्कस किया गया है, यानी आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी केस को, किसी भी प्रोसीडिंग को, किसी भी अपील को जो है वो ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे। मिसाल के तौर पे अगर कोई केस है जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस अमेंडमेंट के पास अथॉरिटी है कि उस पर्टिकुलर केस को सिंध हाई कोर्ट से वो लाहौर हाई कोर्ट भी ला सकती है, या उसको खुद भी अपने पास लाकर डील कर सकती है। इसी के साथ साथ आपके 191 आर्टिकल में भी अमेंडमेंट की गई है कि इसके अंदर आपकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाएंगी, कि अलहदा से जो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल बेंचेस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की। पहले ये बात थी कि अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, लेकिन अब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगी जो पैरेलल होंगी। उनका मकसद ये होगा कि वो सेपरेटली खुसूसन जो आईनी मामला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को एम्बिगस रखा गया है। एक और जो तब्दीली की गई है इसके अंदर वो ये है कि अब आपकी जो हाई कोर्ट्स होंगी उनकी जो है वो असेसमेंट होगी, एनुअल बेस पे इवेल्युएशन होगी, और ये आपकी इवेल्युएशन उनकी परफॉर्मेंस की जो चेक किया जाएगा वो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी चेक करेगी कि जो हाई कोर्ट्स हैं क्या वो परफॉर्मेंस अच्छे से कर रही या नहीं कर रही, वो उनको चेक करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल है दोस्तों, ये मैंने आपको दोनों रुख बताए, पहले की सूरत हाल भी और इस अमेंडमेंट के बाद की सूरत हाल भी। ये सर्टेन चीजें इसके अंदर जो है वो लाई गई है, और भी काफी चेंजेस हैं, लेकिन सबसे अहम चेंजेस ये हैं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और आपके लीगल और जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनके अंदर इसी चीजों पे जो है वो डिबेट आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसका थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करें, थोड़ा इसको इसका तनकीदी जायजा लें, तो मेरे ख्याल से ये जो अमेंडमेंट है, अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती नहीं हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बल्कि एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मेरा ये ख्याल है कि ये अमेंडमेंट जो है वो ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर एक अटैक है, आपकी जुडिशर की जो आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी के ऊपर उसको जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, उसको थ्रेटन करने की कोशिश करी है। अब आपकी जुडिशियल मैटर्स के अंदर आपकी पॉलिटिक्स आ गई, आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, अब पॉलिटिकल मेनोवर होगी आपकी जुडिशरी के अंदर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अंदर आप जो है वो पॉलिटिक्स आ चुकी है, अब पावर पॉलिटिक्स का जो एलिमेंट है वो अब आपकी अदलिया के अंदर भी इन्वॉल्व हो चुका हुआ इस अमेंडमेंट के बाद। मिसाल के तौर पे आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात ही देख लें, अब पहले चीफ जस्टिस अपॉइंट होता था आपके सीनियरिटी के बेस पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसको आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करेगी। अब चूंकि पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगी, तो जो चीफ जस्टिस होंगे टॉप थ्री वो लॉबिंग पे आ जाएंगे, अब वो गवर्नमेंट को अपीज करने में लगे होंगे, खुशामद करने स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट के हर डिसीजन को अपहोल्ड करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े हुए, उनके डिसीजन को अपहोल्ड नहीं किया, तो उनके चीफ जस्टिस बनने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, उनके चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब जो जस्टिस होंगे टॉप थ्री, उनके अंदर एक पावर स्ट्रगल आ जाएगी, एक पोस्ट की, एक जो है जगह की चीफ जस्टिस बनने की एक हंगर आ जाएगी, तो वो आपस में लड़ेंगे। अब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है वो उनसे कहीं ना कहीं डेविएट जरूर होंगे। दूसरी बात देखिए, आप 184 आर्टिकल को देखें, अब सुप्रीम कोर्ट की जो सोमोटो के पावर को खत्म कर दिया गया है, इसका भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन आ सकती है। उसकी वजह यह है कि दो के पाकिस्तान के अंदर माजी में जुडिशियल इंडिपेंडेंस रही है, जुडिशरी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर अननेसेसरली इंटरफेरेंस करती रही है, खासतौर पर चौधरी इफ्तिखार के दौर में, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना भी मेरे ख्याल से इसके इंतहाई बुरा होगा, नेगेटिव असरात होंगे। क्योंकि देखें, जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इदारा बचा था, दो के थोड़ा ही सही, ना होने के बराबर ही सही, लोगों का इस पर एतमाद था, कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन है, दिस इज द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपके हुकूक की बात की जा सकती है, आपके राइट्स की बात की जा सकती है। तो अब इसको भी खत्म करना, इसको भी कमजोर करना, पब्लिक के ट्रस्ट को खत्म करने के मुतरादिफ होगा। इसी के हवाले से आप 199 को देखें, उसमें हाई कोर्ट्स की रिट ज्यूरिसडिक्शन को खत्म कर दिया गया है, जिसका असर ये होगा कि अब आपकी जो इलीगल डिटेंशन है वो बढ़ेगी।
वो पहले भी थी लेकिन उसमें मजीद इंक्रीज आएगी, क्योंकि अब उसको लीगल और एक इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन मिल गई, उसको एक बेस मिल गया, तो इसके नंबर में भी जो है वो इंक्रीज आएगी। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आएगा, ज्यूरिसडिक्शन का कंफ्लिक्ट आएगा कि कौन से ऐसे केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और कौन से ऐसे केसेज हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेंगी, क्योंकि आपने ज्यूरिसडिक्शन तो डिफाइन ही नहीं की, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है ज्यूरिसडिक्शन की, एम्बिगुटी है। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगी कि ये मामला मेरे ज्यूरिसडिक्शन का है, वो मामला मेरी ज्यूरिसडिक्शन का है, ये भी आपके जो है वो टग ऑफ वार आ जाएगी इसके अंदर। और सबसे अहम बात दोस्तों देखें, पाकिस्तान अब मौजूदा जिस सूरत हाल में है, जिस संगीन मसाइल का शिकार है, क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो मुतजाद तरामीम बनाए, ऐसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स लाए जिससे मजीद समाज डिवाइड हो, मजीद आपकी पॉलिटी डिवाइड हो, सोशल डिवीजन आए आपके पास, क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए? और वो भी उसी वक्त जहाँ पे आपकी मईशत कमजोर हो चुकी हुई है, जहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी हुई है, यूथ बेरोजगार है, यूथ के अंदर मायूसी और रिजेंटमेंट है, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, दो वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, सैनिटेशन नहीं है, बुनियादी जो सिक्योरिटी है लाइफ की वो मौजूद नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी लोग जो है किसी भी शख्स को कत्ल कर देता है, ऐसे माहौल के अंदर आप बजाय के लोगों को तहफ़ दें, लोगों को बुनियादी सहूलियात दें, तालीम दें, सेहत दें, उनको हुकूक दें, आप ऐसी तरामीम बना रहे हो, आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला रहे हो जो मजीद आपके समाज को डिवाइड करेंगी, जो आपके पहले ही फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स और पोलराइज्ड सियासत को मजीद पोलराइजेशन की तरफ ले जाएगी, मजीद डिविजन्स क्रिएट करेंगी, मजीद समाज को और जो है वो पोलराइजेशन के कुएं में धकेलेंगी। तो ऐसे अमेंडमेंट का मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं बनता ऐसी सूरत हाल में। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होनी चाहिए लोगों की वेलफेयर, लोगों की जो है वो उनकी सहूलियात, उनके मामलात, उनके बुनियादी हुकूक की बात की जानी चाहिए।